हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जेवी का जो कि हमारा पहला पेपर होता है उसी का मॉड्यूल सी यूनिट 26 आज हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा इंश्योरेंस कंपनीज, तो इसका हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो कई सारे टर्म्स हम देखेंगे, पूरा हिस्ट्री या डेवलपमेंट कैसे हुआ इंश्योरेंस सेक्टर का, फिर FDI को लेके कि प्राइवेटाइजेशन और FDI कितना अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर में, ग्लोबली कितना ये अलाउड है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी, री इंश्योरेंस, ई इंश्योरेंस, इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ये सारा हम डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले इसमें बहुत डिटेल में कई सारी चीज़ें थी जो इसमें से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला टर्म इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी, और री इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, ई इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। पर जो मेन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और FDI का भी पूछ सकते हैं कितना है, री इंश्योरेंस, ये चार टॉपिक ही इसमें मेन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करेंगे। और बाकी चीज़ें जो हिस्ट्री है वो सभी हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। तो इंश्योरेंस में क्या होता है कि जो दो पार्टीज है, एक तो वो पर्सन जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है, और दूसरी पार्टी होगी आपकी कंपनी जो कि इंश्योरेंस दे रही है। तो ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे वन जिसको आप इंश्योरर बोलोगे प्रॉमिस द अदर टू इंडेमनीफाई। तो जो इंश्योरर है वो दूसरे पार्टी को प्रॉमिस कर रहा है इंडेमनीफाई के लिए। इंडेमनीफाई मीन्स सेव फ्रॉम लॉस, अगर आपको कोई लॉस होता है तो उससे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये इस चीज़ का प्रॉमिस करता है। और भी कोई आपको फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा तो वो जो है जिसको वो इंश्योर्ड कर रहा है तो उसके लिए ऐसे जो है प्रॉमिस करता है, इन कंसिडरेशन फॉर द अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ प्रीमियम। तो बदले में वो आपको प्रॉमिस कर रहा है कि हम आपको लॉस से बचाएंगे, तो बदले में आपको जो है एक कंसिडरेशन देना होगा जो कि प्रीमियम होगा, आपको प्रीमियम जो है इसमें पे करना होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है इसी को हम बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो इंश्योरेंस बहुत सिंपल है, आप लोगों के पास भी कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होगी। जनरली लोग अपने जो है फ्यूचर में किसी टाइप का जो अननोन रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, उसी के लिए जो है ये पॉलिसी लोग लेते हैं। इंश्योरेंस को जो रेगुलेट करता है कौन होता है? वो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज है इंश्योरेंस कंपनीज उसका ये रेगुलेटर है। हिस्ट्री, तो यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री दिया है। जनरली आपका जो एग्जाम है उसमें हिस्ट्री को लेकर क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है, और जो चार इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था कि वही चार में से आपका पूछा जाएगा अगर आएगा। तो हिस्ट्री हम थोड़ा बस बेसिक देखेंगे थोड़ा थोड़ा कि ये क्या क्या इसमें बोला गया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इंश्योरेंस का बहुत पुराना हिस्ट्री है आपका, मानव स्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वहाँ पे इसके बारे में लिखा गया। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता था पहले कि लोग क्या करते थे, रिसोर्स को इकट्ठा करते थे। जैसे सभी ने थोड़ा थोड़ा रिसोर्स इकट्ठा किया, या चावल इकट्ठा किया सभी घर वालों ने, ठीक है, अड़ोसी पड़ोसियों ने आटा, मतलब इस तरीके के कुछ रिसोर्सेज को उन्होंने इकट्ठा किया एंड रीडिस्ट्रीब्यूट, उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था इन द टाइम्स ऑफ क्लाइमेटिस। मान लीजिए कहीं आग लग गई, फ्लड्स आ गया, या कुछ नेचुरल क्लाइमेटिस होगी, तो उस केस में क्या करते थे, जो रिसोर्स उन्होंने इकट्ठे किए उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये एक पुराना हिस्ट्री है। इस तरह से जो है वहाँ पे जो है एंशिएंट टाइम में इस तरह से किया जाता था, एडवांस ऑफ मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनीज। तो जो नई मॉडर्न इंश्योरेंस कंपनी उसकी शुरुआत कब से हुई, तो यहाँ पे आपको बोला है कि 1818 में जो है पहला लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, तो उसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और वो कलकत्ता में स्टैब्लिश किया था। एक तो ये है आपका हिस्ट्री का, कि एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा पहला इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस था, तो वो था हमारा ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और इसको 1818 में स्टैब्लिश किया गया था। और भी इसमें कई सारी स्टोरीज लिखी, वो सब ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। और 1914 में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट इन पब्लिशिंग, तो जो गवर्नमेंट है उसने इंश्योरेंस कंपनीज को जो है पब्लिश करना शुरू किया, उसके स्टेटस, उसके डेटा को। और फिर जो है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912 बनाया गया, और ये पहला एक्ट था जिससे लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस को इंडिया में रेगुलेट किया जाने लगा। फिर 1928 में क्या हुआ, जो इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट है उसको इनैक्ट किया गया, ताकि गवर्नमेंट जो है उसमें कुछ जो है स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन, चाहे आप लाइफ बोलिए या नॉन लाइफ बिजनेस बोलिए, तो उसके लिए स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट इंडियन और जो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी उनसे ले सके। तो इसीलिए उसने ये जो 1912 वाला एक्ट था इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया था, कब, 1928 में। और इसके साथ और क्या, इस एक्ट में फिर दोबारा से 1938 में फिर से चेंज किया गया था, ताकि जो जनता है उनका इंटरेस्ट सेफ रह सके। ठीक है, और उस पर कंट्रोल बना बना जा सके जो भी वो एक्टिविटी कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए 1938 में इस एक्ट में फिर से चेंज किया था। और 1956 में आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था LIC, लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर, उसको जो है नेशनलाइज किया गया था। ये कब की बात है, 19 जनवरी 1956 में ये इशू किया गया था।
LIC absorbed 154 Indian, 16 non-Indian insurance, as also 75 Provident Societies, 245 Indians और foreign insurance in all. तो इन सभी को मिला के जो आपका LIC बनाया गया था. LIC had monopoly. Monopoly में सिर्फ अकेले LIC का ही राज था लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में इंडिया में टिल लेट 90s. जब से ये बना था, जब से नेशनलाइज हुआ था 1956 से लेके 1990 तक LIC ने अकेले मोनोपोली संभाली थी लाइफ इंश्योरेंस. तो उस टाइम पे कोई भी और गवर्नमेंट या कोई भी और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी नहीं, सिर्फ अकेली LIC थी. ठीक है, तो इसकी पूरी मोनोपोली थी. उसके बाद जो है 1990 में क्या हुआ था, 1991 में हमारा LPG लिबरेशन ये सब हुआ था, तो प्राइवेट सेक्टर की फिर बाद में एंट्री हुई थी. तो उसके बाद जो LIC की जो मोनोपोली उसके बाद खत्म हुई थी, बट 1990 तक अकेले LIC ने जो पूरा राज किया था. और इसमें नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, इन 1972. तो 1972 में क्या हुआ कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइजेशन की बात की गई थी, वो एक्ट का शुरुआत हुआ था 1972. तो यानी कि जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसको भी नेशनलाइजेशन करने की बात की थी. जो लाइफ इंश्योरेंस है LIC को 1956 में स्टैब्लिश किया, और उसी के कुछ सालों बाद 1972 में जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसके नेशनलाइजेशन की बात की. अभी जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस जो पर्सन की जो लाइफ है, अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस करती है. ठीक है, कोई नॉमिनी होगा तो उसको नॉमिनी को पेमेंट मिलेगी. लेकिन जनरल इंश्योरेंस क्या चीजों की, जैसे मान लीजिए हाउस की, ठीक है, आपकी कार, मूवेबल व्हीकल्स, इस तरह की जो चीजें होती है जिसके अंदर जान नहीं होती, लाइफ नहीं होती, उन चीजों का इंश्योरेंस करते हैं, तो उसको बोला जाता है जनरल इंश्योरेंस. ठीक है, यही मेन इसमें डिफरेंस है. तो ये जो था, इसी को देख के जो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइजेशन किया था विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1973. तो 1 जनवरी 1973 से जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में था उसको नेशनलाइजेशन किया था. 107 इंश्योरेंस जो कंपनी थी उनको मिलाया गया था, उनसे चार ग्रुप बनाए गए थे. उन चार ग्रुप के नाम थे, पहली थी वो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरा था न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, तीसरा था ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, और चौथा था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ठीक है, तो 107 इंश्योरेंस के ग्रुप बना के ये चार जो है इंश्योरेंस कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई थी. तो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज इनकॉर्पोरेट, और जो है 1973 से जो है इसने अपना बिजनेस करना शुरू किया. मतलब इसको सेटअप किया था 1973 और इसको नेशनलाइजेशन किया, और इसने अपनी एक्टिविटीज शुरू की कब से, 1 जनवरी 1973. तो GIC और उसकी चार सब्सिडीज, तो चार ही, ये टोटल पाँच हो गया, GIC और उसकी चार सब्सिडी, तो यही मिलकर जो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस इंडिया में कर रही थी. मॉडर्न डेवलपमेंट, तो इंश्योरेंस सेक्टर में धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है. सो यहाँ से हमारा जो है इंश्योरेंस सेक्टर, द प्रोसेस ऑफ रीओपनिंग ऑफ सेक्टर हैड बिगेन इन अर्ली 1990. तो पहले तो क्या था कि सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज जो नेशनलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी वही इंश्योरेंस बिजनेस कर रही थी. लेकिन फिर 1990 के बाद से क्या हुआ कि जो प्राइवेट सेक्टर को भी परमिशन इसमें मिलने लगी थी. 1993 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी के चेयरमैन थे आर एन मल्होत्रा. ठीक है, आर एन मल्होत्रा की चेयरमैनशिप पे कमेटी बनाई गई. ये कौन थे, RBI के फॉर्मर गवर्नर. ठीक है, ज्यादातर गवर्नमेंट जो कमेटीज बनाती है RBI के गवर्नर, किसी बैंक के चेयरमैन फॉर्मर, तो उन्हीं सबके द्वारा हेडेड रहती है, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज रहता है मार्केट का. तो उसने बोला था कि रिफॉर्म्स करना है इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट ने, और उस कमेटी से रिकमेंडेशंस मांगा था कि क्या क्या करना चाहिए. और उसने कहा था कि रिफॉर्म्स इस तरह से करने चाहिए कि जो है अभी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सके. तो कमेटी ने 1993 में कमेटी को स्टैब्लिश किया था. एक साल बाद 1994 में उसने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी, और उसने रिकमेंडेशन किया कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी परमिशन मिलनी चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में. ठीक है, इस इसका रिकमेंडेशन था. और वो प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकते हैं, और प्राइवेट ही नहीं, उसने फॉरेन कंपनी को भी बोला था कि जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया में ज्वाइंट वेंचर के थ्रू, मतलब इंडियन ऐसे पार्टनर पे फॉरेन कंपनीज भी जो है इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है. तो ये दो रिकमेंडेशन इस कमेटी के द्वारा दिए गए थे. इस कमेटी के रिकमेंडेशन जनरली गवर्नमेंट करती है, जो कमेटी बिठाती है वो जो रिकमेंडेशन देती है तो उनको गवर्नमेंट मान लेती है. तो ऐसे यहाँ पे भी हुआ था कि जो मल्होत्रा कमेटी की जो रिपोर्ट थी 1999 के रिकमेंडेशन थी, तो उसको ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने 1999 में एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि एक ऑटोनोमस, मतलब ये अकेली है, इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है. ठीक है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर में. तो IRDA एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह इसको बनाया गया, और इसका एक ही काम था कि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट करना. IRDA को जो है स्टेचुरी बॉडी के तौर पे अप्रैल 2001 से ही इस्टेब्लिश किया गया, तब से इसने अपना काम करना शुरू किया. ये जो ऑब्जेक्टिव था IRDA को इस्टेब्लिश करने का, वही था कि कॉम्पिटिशन क्रिएट हो और जो है कस्टमर सेटिस्फिकेशन इंप्रूव हो. क्योंकि कस्टमर को जितने ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट कंपनी अच्छी पॉलिसी नहीं दे रही, प्राइवेट कंपनीज भी है, फॉरन वाली कंपनीज भी है इंश्योरेंस, तो कई सारे ऑप्शन है, तो मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और अल्टीमेट जो कस्टमर है उसका जो है सेटिस्फिकेशन लेवल इंप्रूव होगा. कस्टमर की चॉइसेस बढ़ेंगी, अच्छी अच्छी उनको चॉइसेस मिलेंगी और प्रीमियम भी कम रहेगा. ठीक है, तो ये सब था, और मार्केट जो है अच्छे से ग्रो करे, तो इसीलिए जो है IRDA को एस्टैब्लिश करने की बात की गई थी.
IRDA 2000 अगस्त से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया था, और विद इनविटेशन फॉर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, तो इसको जो है रजिस्ट्रेशन वो सब एप्लीकेशन मिलने लगी थी। फिर जो फॉरेन कंपनीज है, जब इसको स्टैब्लिश किया था तो फॉरेन कंपनी जैसे ये जो कमेटी थी, इसका रिकमेंडेशन था कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में जॉइंट वेंचर के थ्रू जो है इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। तो शुरुआत में जो FDI का जो ऑनरशिप का था वो था 26%, मतलब इंडिया की कोई कंपनी है उसमें वो फॉरेन कंपनी जो है मैक्सिमम 26% तक का ही इन्वेस्ट कर सकती है, ठीक है, ये शुरुआत की बात है। फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने देखा कि इसको और इम्प्रूव करना चाहिए, फिर धीरे धीरे 26, फिर धीरे धीरे बढ़ के 74% जो है ये हो गया था। और फिर उसी टाइम पे जो दिसंबर या अगस्त में इसने अपना काम करना शुरू किया, फिर दिसंबर में क्या हुआ, जो जनरल इंश्योरेंस की जो सब्सिडी थी उसको रिस्ट्रक्चर किया, उसमें चेंजेस किए गए और उनको इंडिपेंडेंट कंपनीज बनाया गया। जो पहले GIC की सब्सिडी थी उनको इंडिपेंडेंट करके काम इंडिपेंडेंट बनाया गया, मतलब GIC से उसको अलग किया गया, और GIC वॉज कन्वर्टेड टू नेशनल री इंश्योरेंस, और GIC को कन्वर्ट किया री इंश्योरर में। अभी री इंश्योरेंस क्या क्या होता है, री इंश्योरेंस वो होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस देता है, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी भी कुछ परसेंट जो होता है उनके इंश्योरेंस का, उसका किसी और कंपनी से इंश्योरेंस लेती है, उसको बोलते हैं री इंश्योरेंस। तो 2000 दिसंबर की बात है कि जनरल इंश्योरेंस की जो चार सब्सिडी थी उनको रिस्ट्रक्चर किया, वो जो चार कंपनीज थे उसको अलग अलग कंपनीज बनाया गया, और फिर जो GIC है उसको जो है नेशनल री इंश्योरेंस बनाया गया, और पार्लियामेंट ने बिल पास किया जिसके थ्रू चार जो सब्सिडी थी GIC जनरल इंश्योरेंस से उसको डिलीट किया। ये जुलाई 2002 की बात है, ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया। अभी की बात करें तो 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और उसमें ECGC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी भी है, और 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंडिया में अभी ऑपरेट कर रही है। इंश्योरेंस सेक्टर GDP में कितना कंट्रीब्यूट करती है, बैंकिंग सेक्टर के साथ मिलकर इंश्योरेंस सेक्टर का GDP में 7% के आसपास जो है कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है प्राइवेटाइजेशन एंड फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है या FDI का लिमिट कितना है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए और FDI के लिए 2000 से इसको ओपन किया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो है FDI की जो शुरुआत की थी, FDI मीन्स बाहर की जो कंपनी है इंडिया कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके जो इंश्योरेंस कंपनी खोलेगी, तो जो फॉरेन कंपनी है वो कितना परसेंट तक का शेयर इस इंडियन कंपनी में रख सकती है, कितनी उसकी ऑनरशिप हो सकती है। तो शुरुआत में था 26%, फिर कुछ सालों बाद उसको बढ़ा दिया था, 2015 की बात है, 49% कर दिया था, फिर बजट 21-22 में इसको लिमिट को बढ़ाकर 74% कर दिया, तो अभी ये 74% तक का जो है लिमिट है। और 2 सितंबर 2019 में IRDA ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें बोला कि 100% FDI इन इंश्योरेंस इंश्योरेंस जो इंटरमीडिएटरी है उसमें 100% FDI अलाउ है। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी क्या होता है वो भी आपका आएगा, बाद में हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस बिजनेस ग्लोबली एंड इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में बात की गई है। तो जो है स्विस आरी इंस्टीट्यूट ने जो है जो कि रिसर्च पब्लिकेशन जारी करती है इंश्योरेंस को लेके कि ग्लोबल क्या चल रहा है, तो उसने बोला कि बिफोर COVID-19 पैंडमिक तो अच्छी खासी ग्रोथ रेट थी इंश्योरेंस सेक्टर की, और जो ग्रोथ रेट था नियरली 3% इन 2019 फ्रॉम ईयर बिफोर, तो 2019 से पहले का जो इंश्योरेंस था और 2019 में जो था, तो 3% का जो है ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा था। फिर यहाँ पे कई सारा डेटा दिया हुआ है, सभी डेटा हमें नहीं याद करके जाना क्योंकि हिस्ट्री कभी भी नहीं पूछता आपके एग्जाम में, ठीक है, बस ऐसा थोड़ा सा उसको रीड कर लेते हैं। इसे बोला जो टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम था 2019 में वो USD 6.3 ट्रिलियन था, या आप बोल सकते हैं कि ग्लोबल, ये पूरा इंडिया की बात नहीं हो रही, ग्लोबल की बात हो रही कि ग्लोबली जो है इंश्योरेंस बिजनेस किस तरह से है, और फिर लास्ट में इंडिया की भी हम बात करेंगे। तो 6.3 ट्रिलियन, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 72% ऑफ ग्लोबल GDP, तो ग्लोबल GDP का 7.2% कंट्रीब्यूशन अकेले इंश्योरेंस के प्रीमियम से था। फिर जो ग्लोबल लाइफ इंश्योरेंस मार्केट है वो 2.2% ग्रो हुआ 2019 में, और अगर प्रीमियम की अमाउंट की बात करें तो वो था USD 2916 बिलियन, और धीरे धीरे जो है अगर ये 2019 का डेटा है, और विच हैज़ ए स्लाइट डिक्लेरेशन डिसलेरेशन, मतलब 2018 की बात करें तो उस टाइम पे 2.6 जो है ग्रोथ रेट था, बट 19 में 2.2, यानी कि 19 में ये कम हुआ है। और इंडिया की बात करें, ये ग्लोबल का हमने देखा, इंडिया की अगर हम बात करें तो 2019 में 1.6 था और 2018 में 1.58 था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ग्रो हुआ है, बट ग्लोबली देखें तो ग्लोबली में कम हुआ, क्योंकि 2018 में 2.6 से 2.2 हुआ है ग्लोबली, और इंडिया में 1.58 से 1.69 हुआ, तो इंडिया का जो है देखा जाए तो इंडिया का तो ग्रो ही हुआ है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कितना प्रीमियम है
ग्लोबली द शेयर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये परसेंटेज आप एज इट इज रीड कर सकते हैं, बट याद करने का जरूरत नहीं है कि 2019 की बात हो रही है कि जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 46.34% था और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 53.66 इतना जो शेयर है। इंडिया की बात करें तो वो इट वॉज हाई एट 74.94। तो इंडिया के अकेले की बात हो रही है, लाइफ इंश्योरेंस का जो इंडिया का था 74.94% था और जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस था वो 25.06 था। इसमें अब रैंक की बात हो रही है कि इंडिया की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो इंडिया का रैंक था 10th out of 8। सो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इंडिया का रैंक 10 out of 88। तो 88 कंट्रीज में से इंडिया का 10, जो कि एक अच्छा रैंक इसमें माना जाएगा। और यहाँ पे आपको एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस पे भी बताया हुआ है कि इंडिया का रैंक 15 है ग्लोबली। सो लाइफ इंश्योरेंस में आपका हो गया 10 रैंक और नॉन लाइफ इंश्योरेंस में हो गया रैंक 15 ग्लोबल। ठीक है, ये ऑल जो है ओवर द वर्ल्ड जो है इंडिया की रैंक यहाँ पे बताई गई है। और ग्रोथ किस तरह से हुआ प्रीमियम में अलग अलग रीजन वर्ल्ड के, वो आपको एक डायग्राम से यहाँ पे दिया गया है। पूरा एक डायग्राम दिया कि किस तरह से जो है इंश्योरेंस जो बिजनेस है इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है ग्लोबली और इंडिया में किस तरह से जो है ग्रो किया। पहले आपको ये बाकी एडवांस मार्केट का बताया हुआ और फिर लास्ट में इंडिया का भी बताया हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे जो आपका कॉलम है ये आपका लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम को लेके बताया हुआ और ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस को। ठीक है, और ये आपका टोटल है इन दोनों का सम अप। तो जो एडवांस मार्केट है, जो एडवांस इकोनॉमी है, वहाँ पे 1.3 जो है आपका ये डेटा है परसेंट के टर्म में अगर आप देखें, और ये नॉन लाइफ में 2.7। तो टोटल परसेंट कितना हो गया आपका यहाँ पे 1.3 प्लस 2.7, और टोटल मतलब ये परसेंट की टर्म में, इसको हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, हमारे को टोटल जो है आपको परसेंट की टर्म में ये मेंशन किया गया। तो टोटल अगर आप लाइफ इंश्योरेंस देखेंगे तो उसका परसेंट है 1.3 और नॉन लाइफ है 2.7, और अगर हम टोटल देखें तो 2.1 इसका परसेंट में दिया हुआ है। ऐसे जो इमर्जिंग मार्केट है 5.6% लाइफ इंश्योरेंस में, उसमें प्रीमियम में ग्रोथ देखने को मिला 7.7% नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और टोटल जो ग्रोथ है 6.6 है। ऐसे जो एशिया पैसिफिक की जो रीजन है वहाँ पे 2.6 लाइफ और 7.6 नॉन लाइफ, और टोटल देखा जाए तो 4.6। इंडिया की अगर हम बात करें तो 7.3 लाइफ इंश्योरेंस में और नॉन लाइफ में 5.7। तो अगर कंपेयर करें बाकियों से तो एक अच्छा खासा मतलब ग्रोथ इंडिया पे देखने को मिला। वर्ल्ड का फिर टोटल बता रखा है, 2.2 जो है वर्ल्ड का टोटल ग्रोथ परसेंट है लाइफ में, और नॉन लाइफ में 3.5, और टोटल देखिए एवरेज तो 2.9% आपका ये हो गया। तो ये बता रखा है कि किस तरह से जो है ग्लोबली और इंडिया में जो है इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है किस तरह से वो ग्रो करता गया, यानी इंश्योरेंस का बिजनेस जो है किस तरह से ग्रो करता गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन एंड डेंसिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली आपका ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या होता है और डेंसिटी क्या होता है क्वेश्चन डेफिनेटली आपका एग्जाम में जो है इसमें से पूछा जाएगा। तो देख लीजिए इनका डेफिनेशन देखते हैं। ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये मतलब इसको पढ़ के हमें क्या पता लगेगा। मेजर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड डेंसिटी रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन ए कंट्री। तो किसी भी कंट्री में इंश्योरेंस सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, कितना वो डेवलप कर रहा है, तो ये उसको मेजर करने के काम आता है। ठीक है, दुकान में हम कोई सामान लेने जाते हैं तो दुकानदार 1 किलो 2 किलो इस तरह से जो उसको मेजर करता है, तो इंश्योरेंस सेक्टर का डेवलपमेंट कितना हो रहा है किसी भी कंट्री में, तो उसको पता करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी की हेल्प से हम पता करते हैं। अब इसका वन बाय वन डेफिनेशन देखते हैं। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज मेजर्ड एज ए परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू जीडीपी। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का क्या ये क्या फॉर्मूला है यहाँ पे पेनिट्रेशन का देख रहे हैं। पेनिट्रेशन का फॉर्मूला है इंश्योरेंस का कितना प्रीमियम आपने कलेक्ट किया है डिवाइडेड बाय आपकी कंट्री का जीडीपी कितना है। तो पूरी कंट्री से कितना इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट कलेक्ट किया गया है डिवाइडेड बाय जीडीपी, तो उससे आपको पेनिट्रेशन पता लगेगा। ठीक है, इंश्योरेंस डेंसिटी की अगर हम बात करें, पेनिट्रेशन हमने फॉर्मूला देख लिया, अगर हम डेंसिटी की बात करें सो इट इज अ रेशियो ऑफ प्रीमियम टू पॉपुलेशन, कितना आपने प्रीमियम कलेक्ट किया है और वहाँ की आपकी पॉपुलेशन कितनी है, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, तो वो कौन बताता है, वो डेंसिटी बताता है। तो डेंसिटी एक तरह से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रीमियम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वो आपका डेंसिटी वाले का हो जाएगा, और पेनिट्रेशन वाले का फॉर्मूला हो जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम डिवाइडेड बाय जीडीपी। तो ये आपका न्यूमरेटर में दोनों सेम है, दोनों जगह पे पेनिट्रेशन है, यहाँ भी इस फॉर्मले में भी और इस फॉर्मले में भी, बस डिवाइड डिफरेंस क्या है, जो डेंसिटी है डेंसिटी आपकी पॉपुलेशन को ही बताता है एक तरह से ना। तो डेंसिटी वाले में यहाँ पे पॉपुलेशन लगा दीजिए और जो सिर्फ पेनिट्रेशन है वहाँ पे आप जीडीपी लगा दीजिए। दोनों फॉर्मले हम लोगों ने साथ के साथ जो है इसको याद भी कर लिया। और ड्यूरिंग द फर्स्ट डिकेड ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर लिबरलाइजेशन द इंश्योरेंस सेक्टर रिपोर्ट इंक्रीज। तो अभी आपको थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है और जो भी हमने यहाँ पे डेटा पढ़ा आपको कुछ भी याद करके जाने का जरूरत नहीं है। 2019 का 21 का कभी भी आपके एग्जाम में कोई डेटा को लेकर क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता। ये तो जस्ट मैंने आपको बताने के लिए कि किस तरह से वो ग्रो हुआ वो मैंने टेबल यहाँ पर रीड की, बट डेटा आपको मेमोराइज करने का कोई जरूरत नहीं। ये जो दो फॉर्मले है आप इसको याद कर लीजिए, इसका डेफिनेशन याद कर लीजिए, इतना सफिशियंट है इस वाले पेज में। तो जो बस ये भी सिर्फ डेटा बताने के लिए हम रीड कर रहे हैं, इसको आपको याद करके जाने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो पहला डिकेड था आपका इंश्योरेंस सेक्टर का जब ग्रो होना शुरू हुआ तो उसमें जो आपको ग्रोथ देखने को मिली 2001 से एक में जो पेनिट्रेशन रेट था, पेनिट्रेशन का क्या फॉर्मूला हमारा ये
इंश्योरेंस सेक्टर डिवाइडेड बाय जीडीपी। तो इंश्योरेंस का जो है कितना प्रीमियम कलेक्ट हो रहा था जीडीपी के कंपैरिजन में, तो 2001 में वो 2.71 था, फिर 2009 में 5.2, तो ग्रो हुआ 2001 से 2009 में 2.71 से 5.20% ये ग्रो कर गया, ये आगे बढ़ा, इम्प्रूव हुआ। सिंस देन लेवल ऑफ पेंट्रेशन वॉज डिक्लाइन। फिर 2008 और 9 में जो आपको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिला था ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसका इम्पैक्ट भी वहाँ देखने को मिला, फिर ये थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगा, और फिर 14 में जो है 3.3 हो गया, तो 2009 में 5.2 और फिर 14 में थोड़ा कम हो गया, फिर उसके बाद दोबारा ग्रो करने लगा 2015 से, ठीक है। और फिर 2019 की बात करें तो ये 3.76 था। तो ये पूरा डेटा में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को लेके दिया हुआ है। ऐसे इंश्योरेंस डेंसिटी के ऊपर भी डेटा है कि इंश्योरेंस डेंसिटी का किस तरह से ग्रो हुआ, तो 2001 में 11.5 था USD, और फिर वो 2010 में 64.4, तो कितना कई गुना 6 टाइम्स ऑलमोस्ट ग्रो कर गया था। उसके बाद से थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ 2016 तक, बीच में जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 9-10 के बाद, तो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो है डिक्लाइन देखने को मिला, और फिर अगेन जो है ग्रो करने लगा 17 से, और 2019 में ये वैल्यू 78 हो गई। तो इस तरह से जो है ऑलमोस्ट आपको देखने को मिला कि ये जो ग्रो ही आपका किया है, इस चीज़ को जो ये ग्रोथ रेट है इसको इन्होंने डायग्राम से भी बताया, ये आपका इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को लेकर डायग्राम बताया है, और नीचे एक और डायग्राम है वो आपका इंश्योरेंस डेंसिटी को लेकर बताया गया। तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये, और ये तीनों बता रखा है, ये जो आपका डार्क वाला लाइन है आपका लाइफ इंश्योरेंस है, और जो थोड़ा सा लाइट है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस, और बिल्कुल थोड़ा सा अलग है वो आपका टोटल आपका बता रखा है, ठीक है। तो तीनों ही आप देख लीजिए, लाइफ, नॉन लाइफ और टोटल, तीनों में आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में तो ग्रो किया, ठीक है, अच्छा खासा जो ग्रोथ रेट मिला। फिर जैसे कि हमने कहा था 9-10 के बाद से थोड़ा सा डिक्लाइन होने लगा, ठीक है, तो देखिए कुछ फेज में ये तीनों ही डिक्लाइन कर रहे हैं, हल्का सा डिक्लाइन देख लो, फिर उसके बाद 14-15 के बाद से फिर से अपना ग्रो करने लगा, ठीक है। तो आप इसका ट्रेंड चेक कर सकते हैं, ये ऑलमोस्ट ग्रो करता गया 9-10-12 के बाद से, थोड़ा सा 10-11 के बाद से जो है डिक्लाइन करने लगा, कुछ साल 4-5 साल तक डिक्लाइनिंग स्टेज में रहा, फिर से जो है इंप्रूव करने लगा, ठीक है। तो ये आपका पेनेट्रेशन का जो है डायग्राम फॉर्म में इसको दिया है, ऐसे ही डेंसिटी को लेके भी आपका डायग्राम में दिया हुआ है। डेंसिटी देखिए 2001 तो से लेके 2019 तक का डेटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों ही है, लाइफ इंश्योरेंस आपका ये कलर है, और नॉन लाइफ थोड़ा सा मतलब डार्क जो ब्लू है वो आपका लाइफ इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, थोड़ा सा लाइट ब्लू नॉन लाइफ को, जो बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है कलर वो आपका टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो लाइफ, नॉन लाइफ और ये टोटल। तो यहाँ देखिए 2001 में जो ग्रो का ट्रेंड देखने को मिला, ये ग्रो ट्रेंड है, बढ़ रहा है, और फिर कब आया 9-10 के टाइम पे, देखिए अचानक से आपको यहाँ तीनों में जो है डिक्लाइन देखने को मिला, 9-10 के बाद डिक्लाइन हुआ, कुछ सालों तक डिक्लाइन हुआ, फिर 15 के बाद से जो है 14-15 के बाद से फिर से ये ग्रो होने लगा, तो ये अब ग्रो का ट्रेंड ही आपको दिखेगा। तो सेम जो चीज़ हमने यहाँ पे ये आपका ये पैराग्राफ में रीड किया था ना, इतने इतने परसेंट ग्रो किया, तो हमने डायग्राम से भी समझा कि किस तरह से जो है 10-11 के टाइम पे यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला, फिर बाद में वो ग्रो करने लगा, सेम ऐसे यहाँ पे भी किस तरह से डिक्लाइन देखने को मिला, बाद में जो है ग्रो करने लगा। अब आपको नेक्स्ट जो आपका डेटा है वो है नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, ये भी आपको याद करना नहीं कि कितनी कितनी कंपनीज ऑपरेट करें, इसको भी जस्ट आप बस गो थ्रू रख सकते हो, इंडिया में अभी टोटल कितनी कंपनीज है टोटल आप याद रख सकते हो, कि पब्लिक सेक्टर है 8 और प्राइवेट सेक्टर है 60 और टोटल आपका 68 हो जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ आपको डायग्राम में बताया हुआ है, चलिए डायग्राम को रीड करते हैं। ये डेटा है मार्च 2020 का, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ मार्च 2020 देर वर 68 इंश्योरेंस कंपनीज, तो टोटल कितनी थी 68 कंपनीज जो कि ऑपरेट कर रही थी इंडिया में, जिसमें से 24 थी लाइफ इंश्योरेंस और 27 थी जनरल इंश्योरेंस। देखिए लाइफ इंश्योरेंस कितनी थी 24, जनरल थी 27, 6 वर स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे मेडिकल इस तरह की जो सुविधा देती है ना, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो 6 हेल्थ इंश्योरेंस थी एंड 11 वर री इंश्योरेंस। तो जो री इंश्योरेंस कंपनी थी कितनी थी 11 थी। री इंश्योरेंस कौन सी होती है, री इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी को जो है इंश्योरेंस देती है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी जहाँ से इंश्योरेंस खरीदती है उस कंपनी को बोला जाता है री इंश्योरेंस, ठीक है। इंश्योरेंस का भी इंश्योरेंस किया जाता है तो उसको री इंश्योरेंस बोला जाता है। तो 11 री इंश्योरेंस कंपनी थी और इसमें सारी की सारी चाहे फॉरन ब्रांचेस है सबको इंक्लूड करके जो है डेटा इसमें दिया गया। फिर बोला गया जो 68 कंपनीज थी टोटल जो कि ऑपरेट कर रही थी, उसमें से 8 थी आपकी पब्लिक सेक्टर, 8, और 60 जो बची वो आपकी थी प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो 68 में 8 है पब्लिक सेक्टर और 60 है प्राइवेट सेक्टर। और उसके बाद 2 स्पेशलिस्ट आपकी जो इंश्योरेंस है ECGC और एग्रीकल्चर, ये देखिए इसमें से ये जो पब्लिक सेक्टर का जो आपको डेटा दिया हुआ है इसमें से बोला गया है कि, तो इसी पैराग्राफ को इस डेटा में दिया हुआ कि जो इसमें जो री इंश्योरेंस कंपनी वो सिर्फ एक थी, जो यहाँ पर री इंश्योरेंस में एक दिखा ना पब्लिक सेक्टर, ये एक थी, इसका नाम था GIC री इंश्योरेंस, ठीक है। सिर्फ अकेली पब्लिक सेक्टर कंपनी थी GIC। और अगर हम इसकी बात करें और जनरल इंश्योरेंस की, तो जनरल इंश्योरेंस में टोटल यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है, इसमें से आपकी जो है 4 जनरल इंश्योरेंस में थी और 2 आपकी बाकी की जो स्पेशलिस्ट है ECGC और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, तो 2 और 4 आपका 6 हो गया जनरल इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस में बस अकेली कंपनी थी जिसका नाम था LIC।
ठीक है, LIC अकेले लाइफ इंश्योरेंस थी जो कि पब्लिक सेक्टर में था, री इंश्योरेंस में एक थी जो कि GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस, ये आपकी कंपनी थी। ठीक है, तो ये आपका जो है पब्लिक सेक्टर का डेटा दिया। ऐसे आपको प्राइवेट सेक्टर का भी डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में 23 लाइफ इंश्योरेंस थी, ये देखिए 21 जनरल इंश्योरेंस, 6 स्टैंड अलोन और 10th जो थी आपकी री इंश्योरेंस कंपनी थी। तो पब्लिक सेक्टर के कंपेरिजन में प्राइवेट सेक्टर में जो है, प्राइवेट सेक्टर में आपको ज्यादा दिखेगा। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर की सिर्फ एक री इंश्योरेंस थी, यहाँ पे 10 थी। यहाँ पे लाइफ में एक थी जो कि सिर्फ LIC थी, प्राइवेट में 23 थी। जनरल में यहाँ पे 6 थी पब्लिक में और आपके प्राइवेट में 21 थी। स्टैंड अलोन हेल्थ में प्राइवेट में पब्लिक में कोई भी नहीं था और प्राइवेट में 6 थी। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है डेटा दिया हुआ है। ये डेटा आपका IRDA जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी एनुअल रिपोर्ट 19B से जो है लिया गया। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है लेजिस्लेशन गवर्निंग ऑपरेशंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो कौन सा लेजिस्लेशन, कौन सा लॉ के तहत जो है इंश्योरेंस कंपनीज किस तरह से जो ऑपरेट करती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट गवर्न द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो कुछ लॉज जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को ऑपरेट और जो है गवर्न करते हैं उनका नाम है। पहला आपका एक्ट था इंश्योरेंस एक्ट 1938, फिर LIC एक्ट बना 1956 में, फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट बना 1972 में। उसके बाद जो है आपका इंडिया लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट 1912। तो ये पहला मेजर्स था जिससे जो है इंश्योरेंस के बिजनेस को इंडिया में रेगुलेट करने की बात की थी। तो पहला पहला कौन सा एक्ट था, वो था इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट। तो एक नंबर का पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा एक्ट था, कब बना था, तो 1912 में बना था और एक्ट का नाम था लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट। तो इससे जो है इंश्योरेंस बिजनेस की इंडिया में शुरुआत हुई थी। फिर बाद में इसको चेंज किया था इसी कंपनी एक्ट को 1928 में, ताकि जो गवर्नमेंट है वो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस जो सेक्टर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को पावर दी गई थी 1928 में इसमें अमेंड करके, ताकि जो गवर्नमेंट है वो स्टैटिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके आपकी लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में। फिर आपका इंश्योरेंस एक्ट जो 1938 की यहाँ पे बात की उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया हुआ है। तो पहली बार जो इंश्योरेंस सेक्टर जो ग्रो करने लगा, तो उसका जो मेन अगर आप शुरुआत करो तो 1938 के इस एक्ट से हुआ था, और पुराने जो एक्ट थे उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके फाइनली इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। और इस ये जो एक्ट जब लाया गया था तो स्टार्टिंग में इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ अटैच किया था, फिर बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो स्टार्टिंग में ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के कंट्रोल में था, फिर बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कंट्रोल में जो है लेके आए थे। और जो मेन जो आपका ऑपरेशन मैटर्स है वो सारा कुछ आपका कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस है, वही इसको जो है रेगुलेट करते हैं। तो इंश्योरेंस का जो कंट्रोलर है वही इसको रेगुलेट करने का काम करता है। इसी एक्ट को 1938 में पहली बार बनाया, फिर बाद में इसको कई बार चेंजेस भी किए गए, मतलब अमेंडमेंट किए गए 50, फिर 68, फिर 88, फिर 99। और इस एक्ट में जो है बताया गया कि दिस एक्ट स्पेसिफाई द रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशन एप्लीकेबल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कुछ चीज़ें बताती है, लिमिटेशन बताती है, तो ये सब चीज़ें उस एक्ट में की गई थी। तो सेक्शन 35 ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है एक्ट है उसमें जो है थोड़ा सा चेंजेस किया गया था इस एक्ट में, उसके सेक्शन 35 में, और उसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दी गई थी कि वो रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन जो है लगा सकती है इस एक्ट के हिसाब से। कौन कौन से प्रोविजन थे इस एक्ट में उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला आता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो कोई भी कंपनी जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है, तो एवरी इंश्योरेंस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम कंट्रोलर ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस का जो कंट्रोलर है उनसे जो है आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा बाय मेकिंग पेमेंट ऑफ रिक्वेस्टेड फी। तो उसके लिए आपका एक फी रहेगा जो आप पे कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन शुड बी रिन्यूड एनुअली। तो हर साल आपको जो है रजिस्ट्रेशन रिन्यू करना पड़ेगा। तो इस एक्ट में जो प्रोविजन था उसमें पहला बोला था कि हर किसी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो भी आपका फी है किससे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जो कंट्रोलर है इंश्योरेंस का उससे हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और जो है उसके लिए जितना भी पेमेंट है फी वो हमें चार्ज करना पड़ेगा, और हर साल उसे हमें रिन्यू करना पड़ेगा। सेकेंड इस एक्ट में प्रोविजन की बात की थी वो था आपका अकाउंट एंड ऑडिट। सो एन इंश्योर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट्स। तो हर इंश्योरेंस को मेंटेन करना है क्या, सेपरेट अकाउंट ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट इन ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस। तो हर क्लास का जो इंश्योरेंस है उसमें कितना पेमेंट आया, कितना रिसीव्ड हुआ, तो उसका अलग से जो है आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। सेपरेट अकाउंट्स ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट्स इन ईच क्लास। तो जो भी इंश्योरेंस उसका मिल रहा है, जैसे मान लीजिए फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस या कोई भी और मिसलेनियस है, तो उसका हर किसी का कितना रिसीप्ट हुआ, कितना पेमेंट उसके लिए किया गया, तो हर किसी का अलग से अकाउंट रखेगा, सेपरेट अलग अलग अकाउंट रखेगा। इसके साथ उसको और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन जो है अपने पास संभाल के रखने पड़ेंगे। तो कौन कौन से रिकॉर्ड ऑफ कवर नोट्स स्पेसिफिक, मतलब कौन सा रिस्क वो कवर कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखेगा। रिकॉर्ड ऑफ पॉलिसीज, कौन कौन सी पॉलिसीज कवर कर रहे हैं, कितना कितना प्रीमियम लिया उसका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ एंडोर्समेंट अगर किसी की गई है तो क्या है उसका रिकॉर्ड। बैंक गारंटी अगर दी गई है तो उसका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स, कितने क्लेम्स उस कंपनी को मिले, कितने कस्टमर्स ने क्लेम किया उसका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड ऑफ एजेंसी फोर्स और बिजनेस बाय ईच ऑफ रिटेल ऑफ कमीशंस। तो मतलब कौन सी किसी एजेंट की अगर आप हेल्प ले रहे हैं
तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, और कितना आप उसको कमीशन पे कर रहे हैं, वो सभी रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉयज़, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ काम कर रहे हैं तो उनका रिकॉर्ड, कैश बुक जिसमें सारी डिटेल्स रहेगी जो कि कैश में पेमेंट हुआ, री इंश्योरेंस डिटेल, अगर आपकी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी तो आपने भी तो किसी और से इंश्योरेंस लिया होगा जिसको हम री इंश्योरेंस बोलते हैं, तो वो कौन है उसका डिटेल, क्लेम रजिस्टर से कर, ये सारी चीज़ों का जो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, आर मेड इन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट अंडर, तो इस प्रोविजन के तहत बता रखा है कि कुछ चीज़ें अप्रूव है वहीं पे ये जो इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और ये जो गाइडलाइंस और जो लिमिटेशंस है वो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जारी करती है, लिमिटेशंस ऑन मैनेजमेंट एक्सपेंस, तो इसको लेके भी जो है इस एक्ट में बताया गया है, इसमें बोला कि मैक्सिमम लिमिट बताई गई है कि मैनेजमेंट पे आप कितना एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है, या अगर आप कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन पे कितना आप एक्सपेंस कर सकते हो, तो उसका जो है लिमिट इसमें बताया गया है। नेक्स्ट आता है प्रोविजंस ऑफ रिबेट, इस एक्ट में बोला गया कि कोई भी पर्सन उसको कमीशन में या कहीं और जो है रिबेट नहीं दी जाएगी, या कोई प्रीमियम अगर कोई कस्टमर दे रहा है इंश्योरेंस का तो उसको लेके कोई रिबेट, कोई छूट, इस तरह की ऑफरिंग जो है कस्टमर्स को नहीं दी जाएगी, ये इसमें बोला गया। अगर ऐसा होता है कोई पाया गया तो अप टू 500 रुपीज़ तक की जो है उस पर्सन पर पेनल्टी मिल सकती है, मतलब आप कमीशन में कोई रिबेट, कोई छूट दे रहे, किसी को ऑफर दे रहे कमीशन में, तो वो सब अलाउड नहीं है। रिबेट ऑफ प्रीमियम टू एनी पर्सन टू टेक इंश्योरेंस, मतलब अगर आप क्या कर रहे हैं कि प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो आप जैसे दुकान में होता है ना कि ये चीज़ इतने की थोड़ा उसको सस्ता लगा लो रिबेट छूट, तो इस तरह से आप प्रीमियम में कहीं और इस तरह से छूट नहीं दे सकते, तो जो प्रोहिबिशंस है रिबेट को लेके भी बनाया गया है, रिबेट मतलब किसी को छूट देना, किसी को डिस्काउंट दे देना, ऑफर देना, तो वो सब प्रीमियम में ऐसे अलाउड नहीं है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि कभी भी चाहे जो है जो कंट्रोलर है जो कि कंपनी को IRDA को कंट्रोल करता, तो उसको जो है ऑर्डर दे सकती है कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का कभी भी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकती है, और वो जो रिपोर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अदर प्रोविजंस, तो इसमें और भी कई सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, जैसे एजेंट को लाइसेंस देना है या फिर प्रीमियम को एडवांस में पे करना है, तो इसको लेके जो है और भी कई सारे प्रोविजंस बनाए गए। प्रोहिबिशंस ऑफ रिबेट, जो रिबेट दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का रिगार्डिंग, जो एजेंट को आप लाइसेंस दे रहे हैं उसके रिगार्डिंग, एडवांस पेमेंट हो रही प्रीमियम या फिर टैरिफ एडवाइस भी कमेंट्री, तो इन सब के रिगार्डिंग जो है कई सारे प्रोविजन जो है इसमें बनाए गए हैं। इसके साथ ये वाला जो पार्ट वन है ये कंप्लीट हो गया, पार्ट टू से हम LIC एक्ट में डिस्कस करेंगे, और शॉर्ट में एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत हमने कहाँ से की थी, इंश्योरेंस से की, तो इंश्योरेंस क्या है, दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे एक कंपनी दूसरे को प्रॉमिस करती है कि कोई भी लॉस होगा तो वो उसको सेव करेगी। इसकी जो शुरुआत है कहाँ से हुई थी, तो मतलब पहले के टाइम में क्या होता था कि लोग रिसोर्सेज को इकट्ठा करते थे, कोई भी नेचुरल क्लामिटीज जैसे फ्लड फायर कुछ भी नेचुरल इशूज, तो उसको तब आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इंडिया में जो है एडवांस मतलब शुरुआत कैसे हुई मॉडर्न इंश्योरेंस की, तो 1818 में पहली बार जो है लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई, उस टाइम पे जो था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को स्टैब्लिश किया गया था, और फिर 1912 में जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक्ट बनाया गया था ताकि ये जो इंश्योरेंस बिजनेस है उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। फिर बाद में इसमें कई सारे चेंजेस किए गए थे 1928 में, फिर 1938 में इसमें और चेंज किया गया था। 1972 में जो है जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है उसको भी नेशनलाइजेशन किया जाए, तो इसलिए 1972 में एक एक्ट पास किया गया था, और वो 1 जनवरी 1973 से जो है जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को भी नेशनलाइजेशन कर दिया था। तो उस टाइम पे 107 इंश्योरेंस कंपनी थी, उनको उनके चार ग्रुप बनाए गए, और फिर GIC उनका कंट्रोलर था, तो GIC और उसकी चार सब्सिडी थी जो कि जनरल इंश्योरेंस का जो है बिजनेस करती थी। मॉडर्न डेवलपमेंट, फिर मॉडर्न ये कहाँ से डेवलप हुआ इंश्योरेंस सेक्टर, RN मल्होत्रा की कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, और उसने बोला था कि इंश्योरेंस सेक्टर को ग्रो करने के लिए कुछ सजेशन दीजिए। RN मल्होत्रा RBI के पुराने गवर्नर थे, ठीक है, तो इन इस कमेटी ने 1994 में एक अगले साल जो है अपनी रिपोर्ट भेजी, उसमें रिपोर्ट में उन्होंने कुछ चीजें बोली। एक तो उन्होंने बोला कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको परमिशन मिलनी चाहिए कि वो इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस कर सके। दूसरा, इन्होंने फॉरेन कंपनीज को भी बोला था कि वो भी कुछ लिमिट तक ज्वाइंट वेंचर इंडियन कंपनीज के साथ करके जो है इंश्योरेंस बिजनेस कर सके। ये दो चीजें जो उन्होंने सजेस्ट की थी। फिर इसी को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की शुरुआत की, जो कि 2000 से काम करना उन्होंने शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने जो फॉरेन कंपनीज को भी अलाउ किया, शुरुआत में 26% तक की ऑनरशिप के साथ इनको अलाउ था, धीरे धीरे फिर इसको और ग्रो कर दिया गया, अभी 74% तक की जो है FDI अलाउ है फॉरेन कंपनी जो कि इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। अगर हम डेटा की बात करें कि इंश्योरेंस सेक्टर कितना ग्रो किया है, तो अभी की बात करें तो इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर मिला के जो इंडिया की GDP है उसमें 7% इनका अकेले का ही जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। FDI कितना अलाउड है, तो शुरुआत में जब था शुरुआत में तो तब 26% FDI अलाउड था इंडिया की इंश्योरेंस कंपनी में, फिर 2015 में इसको 49% कर दिया, और फिर 21-22 में इसको 74% कर दिया, तो अभी 74% तक जो है अलाउड है, और जो इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी है उसमें 100% तक का अलाउड है।
इंश्योरेंस बिजनेस ग्लोबली, तो यहाँ पे ग्लोबल का डाटा दिया है और इसमें बोला कि ग्लोबली जो है ग्रो कर रहा है, बट इंडिया की कंपैरिजन में, मतलब ग्लोबल के कंपैरिजन में इंडिया और तेजी से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ था और रैंक की बात की थी, क्योंकि अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंडिया का रैंक 88 में से 10 है, अगर हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो इंडिया का रैंक 15 है। इसके साथ ये और डेटा दिया था कि एडवांस इकोनॉमी कितना ग्रो कर रही है, इंडिया कितना तेजी से ग्रो कर रही है। एडवांस में जो है लाइफ और नॉन लाइफ को मिला के 2.1 है और इंडिया का देखे तो 6.9 है। तो कई सारा डेटा हमने यहाँ पे देखा था। फिर आपका जो इंपॉर्टेंट था ये हमने देखा था, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी। तो ये इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और इंश्योरेंस डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है कि आपकी कंट्री में जो है इंश्योरेंस बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, तो इसके बारे में बताता है। उसको मेजरमेंट के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि इंश्योरेंस सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। इंश्योरेंस पेनिट्रेशन क्या बताता है कि कितना प्रीमियम पे किया गया डिवाइडेड बाय जीडीपी। इंश्योरेंस डेंसिटी कितना क्या बताता है कि इंश्योरेंस कितना प्रीमियम पे किया गया डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। और ये भी आपको एक है पर्सन के टर्म में जो है ये भी आपको डेटा दिया गया है। यहाँ पे आपको डायग्राम के टर्म में बताया गया है कि इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना ग्रो हुआ है। कुछ टाइम के लिए ये ग्रो ही हो रहा था, फिर थोड़ी देर के लिए कम हुआ, फिर से ग्रो होने लगा। ठीक है, 2001 से 2019 का आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, ये IRDA की रिपोर्ट से लिया गया। ऐसे इंश्योरेंस डेंसिटी का भी डेटा दिया हुआ है कि ये ग्रो किया, फिर कुछ साल के लिए कम हुआ, फिर से ग्रो करने लगा। ठीक है, ये आपका दोनों डेटा दिया। नंबर ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कितनी ऑपरेट कर रही है, मार्च 2020 की बात करें तो 68 इंश्योरेंस कंपनी है, जिसमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस है, 27 जनरल इंश्योरेंस है, 6 स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस और 11 री इंश्योरेंस कंपनीज है। ठीक है, वही डेटा आपको यहाँ पर टेबल में भी दिया और वही जो चीज़ टेबल में लिखी वही यहाँ पर आपको पैराग्राफ के फॉर्म में दी गई है। लेजिस्लेशन गवर्निंग, तो कौन कौन से जो है एक्ट जो है जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए बनाए गए, तो शुरुआत इसकी हुई थी 1938 में जो है इंश्योरेंस एक्ट बनाया गया, फिर LIC एक्ट 1956 में, फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को नेशनलाइजेशन करने का एक्ट 1972 में बनाया गया, फिर इंडियन लाइफ इंश्योरेंस जो कि 1912 था, ये पहला एक्ट था जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करने या रेगुलेट के लिए बनाया गया था। फिर बाद में इसमें कई अमेंडमेंट किए 1928, फिर 1938, और भी कई सारे इसमें अमेंडमेंट किए गए। द इंश्योरेंस एक्ट 1938 के बारे में, ये पहला एक्ट था जो कि इंश्योरेंस सेक्टर की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। और शुरुआत में ये जो एक्ट था ये अटैच था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ, बाद में इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अटैच किया गया। इस एक्ट में कई सारे चेंजेस टाइम के साथ देखने को मिले, 50, 68, 88, 99, तो इस एक्ट में कई सारी चीज़ें बताई गई थी। उस एक्ट उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, उन प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं जो कि इस एक्ट में बताया गया था। रजिस्ट्रेशन, तो जो भी कंपनी इंडिया में इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहती तो उसको जो है अपने कंट्रोल से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसकी जो फी है वो फी पे करेगी और हर साल उसको रिन्यू भी करेगी। अकाउंट और ऑडिट, इसमें बोला है जो इंश्योरेंस कंपनी उसको हर जो भी उसको रिसिप्ट हो रही है पेमेंट हो रही है तो हर किसी का सेपरेट अकाउंट रखेगी। ईच क्लास ऑफ इंश्योरेंस, मतलब फायर इंश्योरेंस का अलग से हिसाब किताब, मैराइन का या अलग भी कोई मिसलेनियस है तो सभी इंश्योरेंस का वो अलग से सेपरेट अकाउंट रखेगी। इसमें और भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के रिकॉर्ड को रखने की बात की थी कि कौन सी रिस्क आप कवर कर रहे हैं उसका डिटेल आपके पास होना चाहिए, वो रिकॉर्ड आपको रखना है। कौन सी पॉलिसीज आप कवर कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड, जो प्रीमियम आप पे कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड, ठीक है, बैंक गारंटी का रिकॉर्ड, क्लेम्स का रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें, आपके एम्प्लॉयज़ कौन है, एजेंसी फोर्स कौन है, तो उन सभी का जो है रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बताया था इस एक्ट में कि कहाँ कहाँ जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अप्रूव इन्वेस्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम जो है इसको लेकर गाइडलाइंस जारी करती है कि कहाँ पर इन्वेस्ट ये सब करना चाहिए। तो इस प्रोविजन में वो भी बताया गया कि इंश्योरेंस कंपनी कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकती है, उसका जो मैनेजमेंट जो एक्सपेंस होगा, मैनेजमेंट एक्सपेंस में आपका कमीशन भी इंक्लूड रहेगा, तो मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना कर सकती है उसका लिमिट भी इसमें दिया गया है। प्रोविजंस ऑन रिबेट, मतलब आप किसी कस्टमर को पॉलिसी बेच रहे हो और प्रीमियम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं है, इसके लिए आपको 500 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है कि कंट्रोलर को बोल के या सीधे वो जो है इंश्योरेंस कंपनी का जो है अपना कभी भी इन्वेस्टिगेशन करा सकती है किसी भी कंपनी का, और अगर मान लीजिए कंट्रोलर को बोला है तो फिर वो रिपोर्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेगा। अदर प्रोविजन, इसके अलावा और भी कई सारे प्रोविजन दिए गए जैसे पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, रिबेट का, लाइसेंस ऑफ एजेंट का, तो ये सारे प्रोविजन हो गए। चलिए बाकी हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।